हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, हम तीनों की गुजारिश आपसे है और यकीन मानिए, बहुत दिल से मैं ये बात कह रही हूँ कि हम तीनों के पास अगर विकल्प होता तो हम भी घर पर ही होते, लेकिन क्योंकि हमारा दायित्व है आप तक खबरें पहुंचाना, इसलिए हम स्टूडियो आ रहे हैं, दफ्तर आ रहे हैं, पूरी एहतियात बरत रहे हैं। अगर हमारे पास विकल्प होता तो हम भी घर होते, ठीक वैसे ही जैसे आप हैं। विश्व में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के खिलाफ विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम ने कोरोना वायरस के खतरनाक आंकड़े पेश किए। It took 67 days from the first reported case to reach the first 100,000 cases. 11 days for the second 100,000 cases. And just 4 days for the third 100,000 cases. You can see how the virus is accelerating. समय रहते ही चेत जाइए, इसीलिए बार बार गुजारिश है कि बचना है तो अपने घरों में बंद हो जाइए। कोरोना वायरस पर अभी कई सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर लोगों के बीच संशय अफवाह लगातार बना हुआ। और देखिए, हमारा एबीपी न्यूज आपको लगातार अफवाहों से भी आगाह कर रहा है। हमारा सच्चाई के सेंसेक्स में हम अफवाहों की हवा निकालते हैं, आपके घर में भी उस सवाल का जवाब आज हम पुख्ता जवाब लेकर हाजिर हैं जो आप पिछले कुछ दिनों से हमसे सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं। देखिए, हालांकि ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन की स्थितियां बढ़ रही हैं, लोग अपने घरों में वक्त बिता रहे हैं, ये संशय, ये सस्पेंस और बढ़ गया है। आपके सवालों के जवाब को एक पुख्ता करने के लिए हमने रिसर्च की और विश्व की सबसे बड़े संगठन से आपके लिए हम जवाब लेकर आए। कोरोना पर हर सवाल का जवाब, कोरोना वायरस के लक्षण क्या हैं? And what they've learned from more than 70,000 cases in China is that very few people actually have runny nose or actually sneeze. Most people will have a fever, most people will have a cough. What we do worry about is anyone that has shortness of breath or chest pain to make sure that they seek health care very quickly. कोरोना पर हर सवाल का जवाब, क्या पालतू जानवरों से कोरोना फैलता है? So I'm not aware of any evidence that this virus transmits between pets and people. There's a lot of investigations that are underway. They have not found this virus in an animal yet, in the zoonotic source of what we believe initially that this outbreak began with people who were in contact with wild animals, not pets. But we have no evidence of this virus in pets and no evidence of this virus transmitting between pets and people. कोरोना पर हर सवाल का जवाब, क्या स्विमिंग पूल सुरक्षित है? I think you can use swimming pools just fine. Many swimming pools have chlorine in them. And we haven't heard of any transmission happening in swimming pools. कोरोना पर हर सवाल का जवाब, क्या वायरस पैकेज्ड सामानों पर जिंदा रह सकता है? There are some studies that are ongoing right now that look at virus survival. We don't have the full results yet, but what we know from other coronaviruses like SARS and like MERS is that on packages, on certain like cardboard materials, that it doesn't last very long. What is important though, on certain other surfaces like plastic, that the virus can be inactivated by disinfectants. तो देखिए किस तरीके से WHO भी कह रहा है कि इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। तरह तरह की अफवाह इसको लेकर फैल रही है, लेकिन एबीपी न्यूज लगातार आपको आगाह कर रहा है कि किस बात में सच्चाई है, किस बात में सच्चाई नहीं है। भारत में कोरोना के चलते किन किन चीजों पर असर पड़ा है, किस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है, अब आपके सामने हम रख देते हैं ताकि आप समझ सके बहुत आसानी से। देखिए, कोरोना के बहुत सारे मामले अब तक भारत में सामने आ चुके हैं। दिल्ली में धारा 144 इसी के मद्देनजर लागू कर दी गई है, क्योंकि लॉकडाउन का पालन ठीक से नहीं कर रहे थे लोग। कल ही दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सख्ती से निपटेंगे। घरेलू उड़ानों को रद्द कर दिया गया है दिल्ली में, घरेलू उड़ानें नहीं उड़ने वाली है दिल्ली से। इसके अलावा महाराष्ट्र में लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, लेकिन इसका बहुत सख्ती से पालन करवाने की तैयारी में है सरकार। चंडीगढ़ में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, क्योंकि लोग मानने को राजी नहीं थे, तो जो जरूरी सेवाएं वो भी अब बाधित हो जाएंगी जहां कर्फ्यू है। उत्तराखंड में 11 बजे के बाद बंद हो जाएगा, सुबह 11 बजे के बाद से उत्तराखंड में भी बंद हो जाएगा, लॉकडाउन की स्थिति देखने को मिलेगी। बिहार में राहत पैकेज का ऐलान कर दिया गया है मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए। इसके अलावा असम में शाम 6 बजे के बाद से लॉकडाउन,
लगा दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। गुजरात की बात करें, वहां पर लॉकडाउन कर दिया गया है। इसके अलावा आप जान लीजिए कौन कौन से राज्य हैं जहां लॉकडाउन किया। पंजाब में 15 अप्रैल तक पानी बिल भुगतान जो है उसकी डेट बढ़ा दी गई है। हरियाणा में लॉकडाउन कर दिया गया है और लॉकडाउन में आपको जरूरी चीजें मिल रही है तो इस बात की गंभीरता को समझिए। कर्नाटक में लॉकडाउन कर दिया गया है और कई सारे राज्यों में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। त्रिपुरा में दोपहर 2 बजे से लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। ओडिशा की बात करें तो 9 और जिलों को लॉकडाउन कर दिया गया। पहले से कुछ जिलों में लॉकडाउन घोषित किया गया था। तो इस मामले की गंभीरता को समझिए। अभी कई सारे राज्यों में कर्फ्यू नहीं लगा है, कर्फ्यू कुछ ही राज्यों में लगा है। कर्फ्यू लग गया ना तो जरूरी सामान भी नहीं मिलेगा। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।